प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ है मसीह की, प्रभु यीशु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे बाइबल में लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब उसमें बहुत आनंदित हैं। आइए आज हम सब मिलकर दुआ करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, महिमा करता हूँ, क्योंकि आप ही महान सच्चे और जीवित परमेश्वर। प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। प्रभु जी ये हम नेक्स्ट 40 डेज है जो वो लेंट सीजन है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आई प्रे कि आप हमें शक्ति ताकत दे ताकि हम उस लेंट सीजन में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर सके। प्रभु लॉर्ड आप मुझे शक्ति ताकत दे पिता। प्रभु जी आज मैं आपसे आपका पवित्र आत्मा मांगता हूं जो मेरे द्वारा बातें करे। फादर जी गिव मी द अंक्शन ऑफ द होली स्पिरिट एंड स्पीक। प्रभु जी मैं अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ, हम्बल करता हूँ एज योर सर्वेंट फादर। प्रभु जी और आपकी महिमा करता हूँ पिता, आप महान सच्चे जीवित परमेश्वर। थैंक यू फादर जी। प्रभु जी आज हमारे कानों और हृदयों को खोले ताकि आज हम आपकी आवाज को सुन सके। और प्रभु जी आई प्रे आज हम सबको बहुत आशीष मिले। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, मैं जानता हूँ आप हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, मानते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, अगेन प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि पूरी दुनिया में जो लेंट सीजन है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूं एज ए लेंट इज अ रिमाइंडर, लेंट इज द टाइम फॉर ग्रेटर लव। जो लेंट है, लेंट सीजन में हम क्या कर सकते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लेंट सीजन को मनाते हैं। कुछ लोग मीट नहीं खाते, कुछ लोग सिर्फ मछली खाते हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ छोड़ते हैं ताकि वो जो 40 दिन की जर्नी है जो यीशु ने वो 40 दिन विल्डरनेस में बिताए थे, तो वो 40 दिन की जो जर्नी है हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सैक्रिफाइस करें ताकि हम परमेश्वर के और नजदीक आ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एज द लेंट इज द time for greater love, listen to Jesus, repent and believe। जो ये जो Lent season है, इसमें हमें प्रभु को सुनना है, अपने कानों को tune करना है। आपने देखा होगा अगर आपका कोई ऐसा जानने पहचानने वाला, आपके मम्मी पापा या भाई या आप जिनसे हर रोज बातें करते, आपसे आपका जिससे हर रोज का मेल जोल है, या फिर कोई आपका आइकॉनिक पर्सन है, या तो फिर कोई आपका ऐसा सिंगर बोल दो, या तो फिर मूवी एक्टर बोल दो, या कोई भी बोल दो ऐसा पर्सन जो कि आपको इतना पसंद है, आप उसको बार बार देखते हो या सुनते हो, अगर वो करोड़ों लोगों में से भी बोले तो आप उसकी आवाज को पहचान लोगे कि ये वो बंदा बोल रहा है। तो इसी तरह से ये जो लेंट सीजन है, इसमें हमने अपने कानों को इस तरह से ट्यून करना है कि जब भी हमें आवाज आए तो हम एकदम से पहचान ले कि ये आवाज परमेश्वर से है, उस यीशुआ से है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, ये उसकी तरफ से आवाज है। तो ये जो कान को हमने ट्यून करना है, इसको कैसे ट्यून करना है? रीड योर बाइबल, व्हाट इट सेज, होली बाइबल, रीड योर बाइबल, टॉक टू हिम। आप परमेश्वर से बातें करें। तो मैं एक बताता हूं, आज से कई साल पहले की बात है, तो मुझे तब से आदत पड़ गई, जब मैंने पढ़ा कि परमेश्वर के पास नजदीक जाने के लिए हमें उससे बातें करनी है, तो मैंने एक ऐसी आदत डाल दी कि मैं अपने
परमेश्वर से बात करना शुरू किया। अभी कैसे बात करना शुरू किया? जब भी मैं सुबह नहाने के बाद कपड़े डालने के अपने जो कपड़े डालने हैं, मुझे शर्ट डालनी है या पैंट डालनी है, तो आई जस्ट गो इन माई क्लोज़ेट। वहां पर मैं बोलता हूँ कि प्रभु यीशु आप मुझे बताएं कि आज मुझे कौन सी शर्ट डालनी है जो मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगे। तो मन में आता है कि आज ये वाली शर्ट डालो। तो आज भी मैंने जब अपनी क्लोज़ेट में गया तो मैं कहा प्रभु आज मैं कौन से कपड़े डालूं, कौन सी ऐसी शर्ट डालूं जो अच्छी लगे। तो मुझे कहा कि येलो शर्ट डालो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने येलो शर्ट डाली। इसी तरह से आज से कई साल पहले जब मैं परमेश्वर से बातें कर रहा था, वो आज तक भी करता हूं, जब मैं परमेश्वर से बातें करना शुरू किया तो हमारे चर्च में एक चर्च की एनिवर्सरी थी और वहां पे एनिवर्सरी में काफी लोगों ने आना था और उसमें मैंने पास्टर जी को बोला कि क्या मैं गीत गा सकता हूं। तो पास्टर जी ने कहा ठीक है। तो मैं उस गाने की प्रैक्टिस कम से कम 500 या 1000 बार की होगी और मैंने बोला कि प्रभु ये जो मैं गाना गाऊंगा, आई डोंट वांट टू सिंग जस्ट ए सॉन्ग, मैं चाहता हूं कि पिता परमेश्वर वो ऐसा गीत हो जो कि आपकी हजूरी, आपका आपके पवित्र आत्मा वहीं पर आ जाए। तो मैंने कहा कि प्रभु जी उस गीत के लिए मुझे कौन से कपड़े डालने। तो प्रभु ने कहा कि जाके व्हाइट सूट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट शूज एंड व्हाइट सॉक्स, तो ये चीजें डालनी। तो मैं गया, जाके सारी चीजें खरीदी और जब वो डाल के स्टेज पे गया, गीत गाया, तो वहां पर गोरे लोग भी थे, इंडियन भी थे, हमारे पाकिस्तानी भाई, सब बांग्लादेशी लोग। तो जब मैंने वो गीत गाया, गीत गाते ही पता नहीं वहां पर एक ऐसा, क्या बोलते, पवित्र आत्मा का एक ऐसा जो पवित्र आत्मा हवर करने लग गया और सब लोग खड़े हो गए, हाथ उठाकर रोने लग गए। गोरे जिनको गाना समझ भी नहीं आता हिंदी, और वो भी खड़े होकर रोने लग गए। जब हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं, जब हम अपने कानों को ट्यून कर लेते हैं, जब उसकी आवाज को सुनकर हम काम करते हैं, उसमें उसकी हजूरी बहुत होती है। और उसके बाद आज तक वो सूट वैसे का वैसे पड़ा है, मुझे परमेश्वर ने उसको दोबारा डालने की मुझे परमिशन नहीं दी। हमें क्या करना है, ये लेंट सीजन में हमें अपने कानों को ट्यून करना है। लिसन टू जीसस, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम। किस तरह से? प्रार्थना करके, रीड योर बाइबल। ओके, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल को रीड करना है, फास्ट करने हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करके, ताकि आप उसकी आवाज को सुन सके, आपके कान इतने ज्यादा ट्यून हो जाएं। अब जो म्यूजिक बजाते हैं उनके कान इतने ट्यून होते हैं, वो किसी भी की को बजाते हैं तो कहते हैं कि ये वाली की है, ये वो वाली की, उनको एकदम से पता चल जाता है। अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज में भी कोई गीत गा रहा हो तो वो तो भी बजा देते हैं, क्योंकि उनको जो ईयर्स उनके ट्यून हो रखे हैं। तो इसी तरह से हमें अपने कानों को ट्यून करना है, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की आवाज को सुन सके। रिपेंट एंड बिलीव, जीसस टेल्स अस वी आर, रिपेंट एंड बिलीव, हमें रिपेंट करना है। रिपेंट कैसे करना है? पीछे घोड़े मार के, अपने आप को काट के, या फिर ऐसे सूली पे चढ़ के, वो प्रभु यीशु ने सारा कर दिया। हमें रिपेंट करना है, परमेश्वर को अपने हृदय में बुला के बोलना है कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में, मेरे हृदय में आ, जो मैं पापी हूं तू मुझे मेरे पापों से माफी दे और मुझे छुटकारा दे, ताकि मैं तेरे साथ स्वर्ग में इंटरनिटी टू इटर्निटी रह सकूं। हालेलुया।
Praise the Lord. He knows your weakness. He knows my weakness. जो परमेश्वर है, प्रभु है, वो मेरी कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह से जानता है. जिस तरह साम 139 में लिखा हुआ है, मैं तेरा उठना बैठना जानता हूं, मैं तेरे ख्यालों को दूर ही से समझ लेता हूं. जब तूने अपनी माँ के गर्भ में भी नहीं आया था, उससे पहले मैं तुझे जानता हूं. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर आपकी और मेरी कमजोरियों को जानता है. ही नोज योर एंड माई वीकनेस. But he just wants only your love and my love. जो परमेश्वर है वो मेरा प्यार और आपका प्यार चाहता है. Okay? Praise the Lord. ताकि वो प्यार आपका, जो प्यार परमेश्वर को देते हैं, वो प्यार को प्रभु यीशु अपने प्यार में कन्वर्ट करके, उसको मल्टीप्लाई करके आपके द्वारा और मेरे द्वारा यूज कर सके. Praise the Lord. Lent is a period of fasting and praying and giving and self-discipline. Hallelujah. मैं फिर से बोलता हूँ, जो Lent season है, is a period of fasting and praying, giving पैसे. बहुत मुश्किल है, देना चाहिए 10%, उससे भी ज्यादा. The Lent is the period of fasting, praying, giving and self-discipline. हम एक-एक चीज के ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा बात करेंगे. जो fasting है, वो prayer के साथ जाती है. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ fast करता हूँ ताकि मैं वजन भी मेरा कम हो जाए. या वो तो fast करोगे उसके साथ सिर्फ वजन कम ही नहीं होगा, उसके साथ और भी ज्यादा सारी blessings आएंगी जो परमेश्वर प्रभु यीशु आपको देगा. हालेलुया. हमने फास्ट इसलिए नहीं करना कि मुझे पतला होना है, फास्ट इसलिए करना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में ब्रेक थ्रू लेकर आए. हालेलुया. प्रेइंग, फास्टिंग एंड प्रेइंग हमें परमेश्वर के आगे झुककर, रो रोकर प्रार्थना करनी है. इतनी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको दिन में 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे प्रार्थना करनी है. जो शॉर्ट प्रेयर्स होती है ना, स्मॉल प्रेयर्स, उसमें बहुत ज्यादा ताकत है. आई एम मैन ऑफ स्मॉल प्रेयर. बस ये बोलता हूं, यीशु के नाम से हील हो जा, हील. मैं ये बोलता हूं कि यीशु के नाम से मैं सारी बुरी आत्मा को निकालता हूं, वो निकल जाती है. I don't have to say, oh, hallelujah, ले बुर्रांदा बा, साखा रंदा बा, हे ले बेबे, पहले घंटे में प्रार्थना करूं, ऊपर नीचे हूं, फिर मैं बोलूं कि जा. No, the small prayers, they always work. Okay? Yes. Lengthy prayers भी हमें करनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा. टंग्स में अगर आप बोलते तो praise the Lord, अगर आप नहीं बोलते तो भी praise the Lord. जो small prayer है वो powerful होती है. मेरे जीवन में small prayers ने कई बार ऐसे ऐसे चमत्कार किए, मेरी आंखें इतनी बड़ी हो गई. Always, जो prayer है, हमें prayers करनी है, जैसे भी आप करते हो, लंबी छोटी हो, जैसे भी, पर सच्चे मन के साथ करनी है. और आपके जो प्रेयर के निशान है, आपके घुटनों पर होने चाहिए. हालेलुया. आपके घुटनों के बल जाकर प्रार्थना करें. कि लोग बोलते हैं, पास्टर जी मेरे तो घुटने दुखते हैं. कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेयर, प्रेइंग एंड गिविंग. उसके बाद फास्टिंग, प्रेयर एंड गिविंग. Give your time to God. Okay? फिर से मैं बोलता हूं कि आप अपना टाइम उस जीवित परमेश्वर को दें. कितना टाइम? You are so smart. आप इसके ऊपर जब Facebook देखते हो और क्या है, WhatsApp देखते हो और जो भी सोशल मीडिया है, देखो मुझे पता भी नहीं क्योंकि मैं इतना नहीं जाता, आप उन सारी चीजों को देखते हो, कितना टाइम लगाते हो?
24 आवर्स में आप इस फोन को कितना टाइम देते हो? जस्ट लुकिंग somebody else post, भाई आज उसके घर में क्या खाना बना है, आज वो पर्सन कहां गया है, आज उसके ये तो चुगली वाली बात होगी ना, आज उसके यहाँ क्या हुआ है। लोग भी अपने खाने की फोटो खींच के डालते हैं, आज मैंने ये खाना खाया, अभी मैं उस माउंटेन पे गया, अभी मैं दिल्ली चला गया, अभी मैं चंडीगढ़ चला गया, अभी मैं जहाज में बैठ गया, अभी मैं माउंटेन पे जाके प्रेयर कर रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आता, जो कई पास्टर्स ही ऐसे हैं वो प्रेयर कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं उनसे कि ऐसे कभी कभी ऐसे प्रेयर शॉल ऊपर लिया हुआ है और फोटो खिंचवा के डालते हैं और बोलते हैं कि हमारा अपोस्टल्स वो माउंटेन के ऊपर गया प्रार्थना के लिए। ओके, मुझे तो लगता है कि वो फोटो शूट के लिए गया था, मुझे नहीं लगता प्रार्थना के लिए, फोटो शूट के लिए। ओके, पता नहीं कहां पहुंच गए, पर जो हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं इसके ऊपर। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्लाइड करते हैं, स्लाइड करके व्हाट्सएप खोलते हैं, आज क्या मैसेज आया, क्या हुआ है, करते कि नहीं करते। हमें क्या करना है, उन सारी चीजों को साइड में रखना है। हालेलुया, वी हैव टू गिव इट अवे, साइड में रखना है। इसको फिर से हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन में। ओके, पहले हम करते हैं कि गिविंग, गिव योर टाइम। टाइम कैसा, गो इनटू योर क्लोजेट एंड जस्ट प्रे एंड पुट जीसस ऑन योर माइंड 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक। अब इन जो लेंट सीजन में हम क्या कर रहे हैं, हम हर रोज 4 लोगों के नाम लेते हैं, नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, मे बी 12-13 घंटे। ओके, 12-13 घंटे का मतलब कि एक जगह खड़े होके नहीं, हम अपना काम भी कर रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, पर वी आर प्रेइंग फॉर दैट पर्सन। हमने उस पर्सन को और उन पर्सन को जो 4 लोग हैं उनको दिमाग में रख लिया है कि मुझे ये 4 लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी का भी रेंडमली नाम ले लेता हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जॉन के लिए, तो जॉन मेरे मन में है, और जॉन के लिए और एस्टर के लिए और मैथ्यू के लिए एंड पीटर के लिए। ओके, तो मैं बस काम भी कर रहा हूँ अपना, प्रभु जी जॉन को, पीटर को, मैथ्यू को एंड ईस्टर को, एस्टर को आप आशीष दे प्रभु जी, प्रभु जी अभी उनको जो भी दिक्कत है प्लीज आप उनको आशीष दे, स्मॉल वेरी पावरफुल। ओके, फिर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, जो भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से द पर्सन, जो पर्सन है, वो आदमी, जो औरत है, वो मेरे दिमाग में है सारा दिन। ओके, जब हम घर आते हैं, बैठते हैं, ढोलक बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो देन फिर से उन चारों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव लाए, और फिर अगले दिन 4 लोग। आप भी ऐसा कर सकते हो। तो इट्स गिविंग मींस गिविंग योर टाइम टू गॉड। किस तरह से आप उस टाइम को पिता परमेश्वर को दे सकते हैं, चाहे वो छोटा टाइम हो, चाहे वो बड़ा टाइम हो, चाहे आप 8 घंटे के लिए बैठ के प्रार्थना करें, अगर आप 8 आवर्स इन ए रो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो आप कीजिएगा। हालेलुया। तो फास्टिंग, praying, giving and self-discipline. Okay? इन 40 दिनों में अगर हम अपने आप को self-discipline करें, बात आ गई अभी फोन को अगर हम इतने importance ना दें, अगर हम इसको इतनी अहमियत ना देते हुए, अगर हम इसको साइड में रखते 40 दिन, और 40 दिन के लिए हम बोले कि लॉर्ड आई एम नॉट गोइंग टू लुक टू द फोन 40 दिन, को जरूरी मैसेज होगा वही पढ़ूंगा 40 दिन, अगर आप बहुत टीवी देखते हो तो आप अपने आप को बोल सकते हो कि प्रभु जी नेक्स्ट 40 डेज मैं टीवी इतना ज्यादा नहीं देखूंगा, पहले मैं 5 घंटे टीवी देखता था, अभी सिर्फ 10 मिनट देखूंगा।
हालेलुया। अगर आप कोक पीते हो या सोडा पीते हो कोई भी, अगर आप बोलो कि पिता परमेश्वर नेक्स्ट 40 डेज मैं कोई भी सोडा और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा यीशु के नाम से। अगर आपको राइस खाने की ज्यादा आदत है, जो आपका फेवरेट चीज है, गिव इट अवे। सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करें ताकि आप उस चीजों पे ओवरकम आ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना है। मैंने क्या किया है, मुझे जब भी मैं एक्सरसाइज के लिए जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मैं टीवी में पूरे दुनिया के सामने बोल रहा हूं। मेरे पास जिम की मेंबरशिप है पिछले कई सालों से, और साल में मेबी मैं 10 बार जाता हूंगा और मेबी 5 बार। पर मैंने इस लेंट सीजन में अपने आप को ये प्रॉमिस किया, प्रभु जी हेल्प मी टू कीप माय सेल्फ डिसिप्लिन, हेल्प मी टू मैं उस जिम में जा सकूं या फिर 40 दिन लगातार मैं एक्सरसाइज करूंगा। पिछले मैं कई दिनों से कर रहा हूं, दुख रहा है, ठीक लगता है कि मसल्स भी बाहर आ गए हैं, दुख रहा है बहुत, कोई बात नहीं, पर 40 दिन तक करूंगा और उसके बाद मेरी आदत पड़ जाएगी, फिर मैं हर रोज ही करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेल्फ डिसिप्लिन, ओके, हमें सेल्फ डिसिप्लिन करना है ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके ईस्टर के सीजन के लिए। प्रेज द लॉर्ड, जब रेजरेक्शन होगा हम उसके लिए अपने आप को तैयार तो कर सके मेरे भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस fasted 40 days and 40 nights in the wilderness. जो लेंट सीजन है उसको ऑब्जर्व करते हैं कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट्स, सब लोग जो भी प्रभु यीशु को जानते हैं, मेरे हिसाब से सब लोग करते होंगे, ठीक है। तो लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको उसके लिए जो कुछ ना कुछ वो करते हैं। Praise the Lord. The Lent season is the season of fasting, self-denial, spiritual growth. जो Lent season है, it's a self-denial. Self-denial, अपने आप को humble करना है, अपने आप को झुकाना है, okay? और Lent season में हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ओके। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये जो फोन है, फोन को हम जब ये मैं इसको सारा दिन यूज करता हूं तो क्या हो जाता है, फोन इसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, इसकी बैटरी कम हो जाती है। जो 100% पे थी वो मे बी 5, 10, 15, 30% पे आ जाती है। जितना मैं इसको यूज करता हूँ उतनी बैटरी इसकी कमजोर होती जाती है। तो उसके लिए मुझे फिर से इसको 100% करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको चार्ज करता हूँ, इसको बैटरी में यहाँ पे वायर लगा के प्लग इन करके वॉल में तो उसको चार्ज करता हूँ। तो फिर कुछ ही घंटों के बाद ये जो फोन है 100% चार्ज हो जाता है। इसी तरह से जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, हमें अपना प्लग इन करना है प्रभु यीशु में ताकि हम 100% चार्ज हो सके, चार्ज होकर उसकी स्तुति आराधना कर सके, उसका काम कर सके। हालेलुया, हमें जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो और ज्यादा होनी चाहिए ताकि लोग हमें दूर से पहचान सकें कि वो देखो प्रभु यीशु के चेले आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें लेंट सीजन में हमें अपने आप की सफाई करनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अच्छी तरह से नहाना है, आई एम श्योर आप नहाते होंगे, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हमें सफाई करनी है अपनी, सेल्फ इन्वेंटरी करनी है, हमें चेक करना है कि हम किस जगह पर रॉन्ग है। कहीं मैं ज्यादा गॉसिप तो नहीं कर रहा, कहीं मैं किसी की ज्यादा चुगली तो नहीं कर रहा, कहीं पर मैं लालच तो नहीं कर रहा बहुत ज्यादा, या फिर कहीं पर मेरी जो वॉक है वो तो नहीं वीक हो गई।
हमें क्या करना है, सफाई करनी है अपनी, ताकि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। अपनी इन्वेंटरी कीजिए, ये नेक्स्ट 40 डेज प्लीज डू योर इन्वेंटरी, मैं भी अपनी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वी ऑफ्टन थिंक ऑफ द सीजन ऑफ लेंट एज ए गिविंग, इज अ टाइम ऑफ गिविंग समथिंग अप, कुछ भी हम जो लेंट सीजन है, जो लेंट सीजन है वो हमारा ये सोचना है कि इस लेंट सीजन में कुछ ना कुछ हमें गिव अप करना पड़ता है। पर माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, जो लेंट सीजन है वो आपके जीवन में एक ऐसा होना चाहिए, आपके और मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो डेली होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो डेली होनी चाहिए, ओके। डेली प्रेयर, ऑल्सो डेली गिविंग समथिंग अवे, ओके, मे बी योर टाइम और मे बी योर मनी और मे बी योर रिसोर्सेस। हालेलुया। अभी चर्च आने से पहले मैं अपना टाइम दे रहा था किसी को, किसी के घर में उनको जो एक वॉल बनाना था उसके लिए मदद कर रहा था। जस्ट गिव समथिंग, मे बी योर प्रैक्टिस, योर टैलेंट, जो भी आप में टैलेंट है, और गिव समथिंग, ओके, डेली, नॉट ओनली वंस इन ए ब्लू मून बट डेली, ओके। डेली प्रेयर, ऑल्सो डेली गिविंग, डेली सर्विंग, ओके, हालेलुया, डेली स्क्रिप्चर रीडिंग, ओके, एंड डेली डिसिप्लिन योरसेल्फ, इंक्लूडिंग मायसेल्फ। प्रेज द लॉर्ड। डेली प्रार्थना करनी है, हर रोज प्रार्थना करनी है, हर रोज कुछ ना कुछ देना है किसी को, पैसा भी हो सकता है और आपका टाइम भी हो सकता है, आपका टैलेंट भी हो सकता है, जो भी आप में टैलेंट है। हालेलुया। अगर आप म्यूजिक बनाते हो तो किसी के लिए फ्री सॉन्ग बना दो, अगर आप पेंटिंग बनाते हो तो किसी के लिए फ्री पेंटिंग बना दो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो कुछ जो आप में टैलेंट है, जस्ट डू एनीथिंग फॉर समबडी। हालेलुया। डेली प्रेयर, डेली गिविंग समथिंग टू समवन, हर रोज कुछ ना कुछ आप दो, हर रोज लोगों को सर्व करो, हर रोज बाइबल पढ़ो, हालेलुया, हर रोज अपने आप को डिसिप्लिन करो, हालेलुया। जो लेंट सीजन में हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए, हालेलुया। जब हम सुबह ब्रश करते हैं तो मिरर के सामने खड़े होके बोले अपने आप को, आज मैं अपने के लिए, अपने खुद के लिए प्रार्थना करूंगा, टुडे आई एम गोइंग टू गेट द अपॉर्चुनिटी, इफ नॉट आई एम गोइंग टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी, then I will do something for somebody। आप शीशे में जब जाके खड़े होंगे तो आप बोलोगे कि आज मैं कुछ ना कुछ किसी के लिए जरूर करूंगा, परमेश्वर मुझे अपॉर्चुनिटी देगा। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को खुद ही बनाकर मैं वो परमेश्वर का काम करूंगा। हालेलुया। रीड योर बाइबल, और जो आपको डिसिप्लिन में रहना ही रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही एक लेंट सीजन में हम कर सकते हैं। हालेलुया। जो लेंट सीजन है वो हमारी इस तरह से आंखें खोले ताकि हम पिता परमेश्वर को, यीशु को एक नए तरीके से देख सके। हालेलुया। जो हमारे रिलेशन है उसके साथ और भी ज्यादा मजबूत हो सके। हालेलुया। ये जो लेंट सीजन है हमारी इस तरह से आंखें खोले, हमारे हृदय को इस तरह से खोले ताकि हम उस जीवित परमेश्वर को एक नए तरीके से देख सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे ताकि ये जो लेंट सीजन है हमें बहुत बहुत आशीषें इसमें मिले। हालेलुया। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूं प्रभु। लॉर्ड, आई प्रे कि आज आप हमें आशीषें दें प्रभु। प्रभु जी, लेंट सीजन में आप मुझे मजबूत बनाए ताकि मैं अपने आप को डिसिप्लिन कर सकूं। प्रभु जी, ताकि मैं आप और भी ज्यादा टाइम लगा सकूं बाइबल रीडिंग में, लॉर्ड जी, मैं फास्ट कर सकूं प्रभु जी, और मैं कुछ ऐसी चीज दे सकूं जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, या मैं जिसको करने में खूब इंजॉयमेंट करता हूं, या मैं कुछ उसको खाने में मुझे बहुत सुकून मिलता है, ऐसी चीज को मैं, आई वॉन्ट टू गिव इट अवे फॉर यू माय लॉर्ड। प्रभु जी, आप मेरे साथ रहें,
लॉर्ड पिता परमेश्वर आप मुझे शक्ति ताकत दें। लॉर्ड आई प्रे कि आज जो लोग देख रहे हैं हमें और जो लोग हमारे यहाँ चर्च में, फादर आई प्रे कि उन सबको आशीष दे, आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आई प्रे कि ये लेंट सीजन में आप उन सबको बहुत बहुत आशीष दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आई प्रे कि आज उनके घर में बहुत सा चमत्कार हो यीशु के नाम से। धन्यवाद देते पिताजी, महिमा करते मांगते यीशु के नाम से। मैं हमेशा बोलता कि वो जो लिटिल प्रेयर है, अगर आज आप लिटिल प्रेयर करना चाहते मेरे साथ, ताकि आप ये जो लेंट सीजन में आप ये पिता परमेश्वर को और यीशु को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, ओके, इनवाइटिंग जीसस इनटू योर हार्ट। अगर आज आप पिता परमेश्वर यीशु को अपने हृदय में इनवाइट करना चाहते तो मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना को रिपीट करें। मेरे पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ। मैं अपने मुंह से बोलता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए, मेरे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु सूली पर चढ़े, मारे गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, वो अभी जीवित परमेश्वर है। मैं उनको अपने हृदय में बुलाता हूँ। आज से प्रभु यीशु मेरे और मैं उनका, मैं उनकी स्तुति आराधना करूंगा पूरे जीवन में। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे पापों को माफ करें और मुझे अपने घर आने में लेकर आए। धन्यवाद देता हूँ, मांगता हूँ यीशु के नाम से। अगर आज आपने ये छोटी सी प्रार्थना की, इसका मतलब यू आर सेव्ड, यू विल गो टू हेवन, ओके। पर हेवन में जाने के बाद उसका मतलब ये नहीं कि ये छोटी सी जो प्रार्थना है ये आपका पासपोर्ट हो गया कि आप हमेशा हमेशा के लिए हेवन में रहेंगे, ओके। बाइबल में ये भी लिखा है कि ओ इविल सर्वेंट, मैं तुझे नहीं जानता कि तू कौन है। वो बोलता है कि मैंने तेरे लिए बहुत काम किया है जीसस के, मैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं तुझे जानता। वहां पे व्हाइट थ्रोन जजमेंट भी होगी। आइए हम सब मिलकर आखिर की दुआ करें। ओ लॉर्ड यू ब्लेस मी इंडीड, एनलार्ज माय टेरिटरी, योर हैंड बी अपॉन मी, कीप मी फ्रॉम द एविल वन, दैट आई मे नॉट कॉज एनी पेन टू एनीवन। प्रभु का प्यार, उसकी हुजूरी, पवित्र आत्मा अब से लेकर आखिर तक आपके साथ रहे। धन्यवाद देते मांगते यीशु के नाम से। लॉर्ड आई प्रे कि आज आप सब लोगों को हील करें प्रभु जी, आपकी हुजूरी इनके जीवन में है पिता। लॉर्ड आई प्रे इन लेंट सीजन में वो आपको एक नए तरीके से देख सके प्रभु जी। और प्रभु जी जो लोग बैकस्लिडन हो चुके हैं उनका जो नया रिश्ता आपके साथ बने बहुत ज्यादा मजबूत बने। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपसे बहुत प्यार करता है, हमेशा याद रखिएगा। और हमारा चर्च भी आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमारे चर्च का नाम है द चर्च दैट लव्स। प्रेज द लॉर्ड अगेन। सब कुछ है मसीह की, एंड आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you.